हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बी ए पार्ट फर्स्ट संगीत का सेकंड यूनिट लेंगे। सेकंड यूनिट का सेकंड टॉपिक है हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के प्रमुख सिद्धांत। कर्नाटक संगीत पद्धति की तुलना में हिंदुस्तानी संगीत पद्धति अपनी कुछ विशेषता रखती है। यही कारण है कि आज मैसूर, मद्रास और कर्नाटक को छोड़कर शेष समस्त भारत में हिंदुस्तानी संगीत पद्धति ही प्रचलित है। यह पद्धति कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। ये सिद्धांत निम्नलिखित है। पहला सिद्धांत है हिंदुस्तानी संगीत पद्धति की नींव बिलावल ठाट को शुद्ध मानकर रखी गई है, अर्थात बिलावल ठाट के स्वर ही शुद्ध स्वर सप्तक का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट नियम है समस्त रागों का वर्गीकरण तीन भागों में किया गया है, पहला ओडव, दूसरा शाडव तथा तीसरा संपूर्ण। नेक्स्ट है पांच स्वरों से कम का और सात स्वरों से अधिक का राग नहीं होता। ये सात स्वर कोमल और तीव्र मिलाकर है। कोमल तीव्र मिलाकर 12 स्वर होते हैं। नेक्स्ट है ओडव, शाडव और संपूर्ण, इनके आरोह अवरोह में उलट पलट होने से 9 प्रकार के भेद माने जाते हैं। नेक्स्ट है प्रत्येक राग में ठाट, आरोह अवरोह, वादी संवादी, समय और रंजकता, ये बातें अवश्य होती हैं। नेक्स्ट है वादी संवादी स्वरों में प्राय 4 स्वरों का अंतर होता है। वादी स्वर पूर्वांग में होगा तो संवादी स्वर उत्तरांग में होगा, और वादी स्वर उत्तरांग में होगा तो संवादी स्वर पूर्वांग में होगा। नेक्स्ट है वादी स्वर बदलकर शाम को गाए बजाए जाने वाले राग को सुबह गाया बजाए जाने वाला राग बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है राग में सुंदरता लाने के लिए विवादी या वर्जित स्वर का भी किंचित प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट है हर एक राग में एक वादी स्वर होता है जिसका राग में विशेष महत्व रहता है। वादी स्वर के आधार पर ही पूर्व राग और उत्तर राग पहचाने जा सकते हैं। नेक्स्ट है इस पद्धति के राग सामान्यतः 3 वर्गों में विभाजित किए जा सकते हैं। पहला वर्ग है कोमल रेगे वाले राग, दूसरा है शुद्ध हृदय वाले राग और तीसरा है कोमल गानी वाले राग। जो संधि प्रकाश राग सूर्यास्त और सूर्योदय के समय गाए बजाए जाते हैं वह अधिकांशतः प्रथम वर्ग में पाए जाते हैं। प्रातःकालीन संधि प्रकाश रागों में प्राय हृदय वर्जित नहीं होते तथा सायकालीन रागों में प्राय गानी वर्जित नहीं होते। नेक्स्ट है इस पद्धति में मध्यम स्वर महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे अध्वदर्शक स्वर कहा जाता है क्योंकि इससे दिन रात के रागों को गाने बजाने का समय निर्धारित होता है। नेक्स्ट है जिन रागों में गानी कोमल लगते हैं वे दोपहर या आधी रात को ही अधिकतर गाए बजाए जाते हैं। नेक्स्ट है संधि प्रकाश रागों के बाद प्राय रे, म, ध, नी शुद्ध लगने वाले राग गाए बजाए जाते हैं। नेक्स्ट है षड्ज, मध्यम और पंचम, ये 3 स्वर प्राय दिन और रात्रि के तीसरे प्रहर के रागों में अपना महत्व विशेष रूप से रखते हैं। नेक्स्ट है तीव्र मध्यम अधिकतर रात्रि के रागों में ही पाया जाता है, दिन के रागों में ये स्वर कम दिखाई देता है। हमारा अगला नियम है सा, मा, पा, ये स्वर पूर्वांग और उत्तरांग दोनों भागों में ही होते हैं। अतः जो राग प्रत्येक समय यानी सार्वकालिक होते हैं, जो प्रत्येक समय गाए बजाए जाने वाले होते हैं, उनमें 3 स्वरों में से कोई एक वादी होता है। नेक्स्ट है मध्यम और पंचम, ये दोनों स्वर एक साथ राग में वर्जित नहीं होते। प वर्जित होगा तो मा मौजूद होगा और मा वर्जित होगा तो प मौजूद होगा। नेक्स्ट नियम है
किसी भी राग में षड्ज स्वर वर्जित नहीं होता। नेक्स्ट है, रागों में प्राय एक ही स्वर के दो रूप यानी कोमल और तीव्र पास पास नहीं आने चाहिए, किंतु ललित इत्यादि कुछ राग इस नियम के अपवाद हैं। नेक्स्ट है, अपने नियत समय पर गाय बजाने से ही राग सुंदर लगता है, किंतु राजदरबार तथा रंगमंच पर यह नियम शिथिल भी हो जाता है। नेक्स्ट नियम है, तीव्र माँ के साथ कोमल नी बहुत कम रागों में आता है। अगला नियम है, दोनों मध्यम लगने वाले रागों में कुछ कुछ एकरूपता पाई जाती है। इनकी भिन्नता प्राय आरोह में ही दिखाई देती है। ऐसे राग का अंतरा बहुत कुछ मिलता जुलता होता है। नेक्स्ट नियम है, रात्रि के प्रथम पहर में जो दोनों मध्यम वाले राग गाए बजाए जाते हैं, उनका एक साधारण सा नियम यह है कि शुद्ध मध्यम तो आरोह अवरोह दोनों में लगता है, किंतु तीव्र मध्यम केवल आरोह में ही दिखाई देता है, तथा शुद्ध मध्यम की अपेक्षा ठाट का उपयोग दोनों मध्यम वाले रागों में कम पाया जाता है। नेक्स्ट है, रात्रि के प्रथम पहर वाले रागों में एक नियम यह भी दिखाई देता है कि उनके आरोह में निषाद वक्र और अवरोह में गंधार वक्र रूप से लगता है। ऐसे रागों के अवरोह में प्राय निषाद दुर्बल दिखाई देता है। नेक्स्ट नियम है, हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में ताल की अपेक्षा राग को अधिक महत्व दिया गया है। इसके विपरीत कर्नाटक संगीत पद्धति में राग की अपेक्षा ताल का महत्व अधिक माना गया है। नेक्स्ट है, पूर्व रागों की विशेषता आरोह में और उत्तर रागों का चमत्कार अवरोह में दिखाई देता है। नेक्स्ट नियम है, प्राय प्रत्येक थाट से पूर्व राग तथा उत्तर राग उत्पन्न हो सकते हैं। नेक्स्ट नियम है, गंभीर प्रकृति के रागों में षड्ज मध्यम या पंचम का विशेष महत्व होता है, तथा मंद्र सप्तक में अधिक महत्व माना गया है, किंतु क्षुद्र प्रकृति के रागों में यह बात नहीं पाई जाती। नेक्स्ट है, संधि प्रकाश रागों द्वारा करुण विषादरस रे ग ध तीर वाले रागों में श्रृंगार व हास्यरस और कोमल गरी वाले रागों द्वारा वीर रौद्र व भयानक रसों का परिपोषण होता है। नेक्स्ट नियम है, एक ठाट के रागों से दूसरे ठाट के रागों में प्रवेश करते समय परमेल प्रवेशक राग गाए बजाए जाते हैं। नेक्स्ट, संधि प्रकाश राग सूर्योदय और सूर्यास्त के समय गाए बजाए जाते हैं, और इनके बाद तीव्र रे ग ध वाले राग गाए बजाए जाते हैं या कोमल गनी वाले राग गाए बजाए जाते हैं। नेक्स्ट है, जिन रागों में कोमल नी लगता है, जैसे काफी और खमास ठाट के राग, उनके आरोह में बहुधा तीव्र नी का प्रयोग भी कर दिया जाता है। हमारा अगला नियम है, किसी राग में जब स्वर लगाए जाते हैं तो वे अपने कम अधिक या बराबर के परिणाम में लगकर दुर्बल प्रबल या सम माने जाते हैं। दुर्बल का अर्थ वर्जित नहीं है। नेक्स्ट नियम है, दो या तीन या चार स्वरों के समुदाय को तान कहते हैं, राग नहीं कह सकते। नेक्स्ट, दोपहर 12 बजे के बाद तथा रात्रि को 12 बजे के बाद जो राग गाए बजाए जाते हैं, उनमें क्रमशः सा म प का प्राबल्य होता चला जाता है। नेक्स्ट नियम है, दोपहर को गाए बजाए जाने वाले रागों के आरोह में रे ध या तो लगते ही नहीं अथवा दुर्बल होते हैं। ठीक दोपहर के समय गाए बजाए जाने वाले रागों में ऋषभ और निषाद स्वर खूब चमकते हैं। नेक्स्ट नियम है, जिन रागों में सा म प स्वर वादी होते हैं, वे प्राय गंभीर प्रकृति के राग होते हैं। नेक्स्ट नियम है, प्रातःकाल के रागों में कोमल रेते की प्रबलता रहती है और सायकाल के रागों में तीव्र धनी अधिक दिखाई देते हैं। नेक्स्ट नियम है, निशा रेगा ये स्वर समुदाय शीघ्रता पूर्वक संधि प्रकाश काल को सूचित करता है। हमारा आखिरी नियम है, पूर्व रागों का स्वरूप आरोह में
तथा उत्तर रागों का स्वरूप अवरोह।